बालको इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय कर्मशाला के इंजीनियरों और प्रचालकों की टीम ने एल्यूमिना प्लांट के हाइड्रेट फिल्ट्रेशन एरिया में उपयोग के लिए नए डिजाइन का हाइड्रोसाइक्लोन तैयार किया है। कई खूबियों वाले इस हाइड्रोसाइक्लोन के बन जाने से एल्यूमिना हाइड्रेट के उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि तो होगी ही, उत्पादन लागत में भी काफी कमी आएगी। श्रमवीरों ने अपनी कार्य कुशलता का प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। इसी दिशा में केंद्रीय कर्मशाला की टीम ने एल्यूमिना संयंत्र में लगने वाले हाइड्रोसाइक्लोन का निर्माण किया है। इस हाइड्रोसाइक्लोन का नव निर्माण करने में लगभग 35,000 रुपए की लागत आई, जबकि बाहर मरम्मत कराने पर करीब 3,00,000 रुपए खर्च होते। यह कार्य इंजीनियरिंग सेवाओं के महाप्रबंधक श्री एन थिरुगनानम के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस टीम में केंद्रीय कर्मशाला प्रबंधक श्री एस एल साहू, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी श्री के देवांगन, जूनियर चार्जमैन फिटर श्री एस कुजूर, श्री समैया, श्री केदार मंडल व श्री ज्ञानचंद भारद्वाज, ब्लैक स्मिथ श्री पूरन लाल, जूनियर चार्जमैन ब्लैक स्मिथ श्री डी जे सिंह जूनियर, चार्जमैन वेल्डर श्री बिट्ठल राव व श्री एस किंडो और जूनियर चार्जमैन मिनिस्ट श्री आर पी देवांगन शामिल हैं। हाइड्रोसाइक्लोन की विशेषता और उसके निर्माण के संबंध में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं केंद्रीय कर्मशाला के प्रबंधक श्री एल एस साहू। आइए इस संबंध में सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। श्री साहू, स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो नया जो डिजाइन का आपने बनाया है, इसकी विशेषता क्या है, क्या खूबियां हैं इसकी? इस हाइड्रोसाइक्लोन को बनाने की विशेषता ये है कि इसका हाइड्रेट फिल्ट्रेशन में जहाँ पर हाइड्रेट लीकर है उसको छानने की जो पद्धति है उसमें बढ़ोतरी की गई है, और इससे जो प्रोडक्शन है उसमें लागत की कमी आई है। ये बनाने का विचार कैसे आया? इसका बनाने का विचार इसलिए आया कि कंपनी बहुत पहले से चाहती थी कि स्मेल्टर प्लांट में लगने वाले एल्यूमिना हैं उसकी जो प्रोडक्शन के रूप में जो उपयोग में आने वाले हैं उसकी ग्रेन साइज सही पैमाने में नहीं मिलती थी, जिससे प्रोडक्शन में कमी आती थी। उसको प्राप्त करने के लिए हाइड्रोसाइक्लोन का इन्होंने विचार किया, जिसे दूसरे कंपनी से मंगाने के लिए उन्होंने ऑर्डर किया था, लेकिन उसको बनाकर भेजने के लिए करीब 2 से 3 महीने का समय लगेगा। इसलिए इसको वर्कशॉप में इंजीनियरों की और डिजाइनरों की मदद से जो है और अपने कर्मशाला के कर्मचारियों की मदद से जो है इसको निर्माण किया गया। इसका निर्माण कितने समय में किया गया? हम लोगों ने इसमें 3 साइक्लोन का निर्माण किया, जिसमें से 2 साइक्लोन को हम लोगों ने एक सप्ताह के भीतर ही हमने निर्माण किया है उसको। इस पर खर्च कितना आया है करीब करीब? इस पर एक में लगभग खर्च 35 से 40 हज़ार के लगभग खर्च आया है। ऐसे कितने साइक्लोन कुल बनेंगे आगे भी और कितने की जरूरत हो सकती है? जैसा कि मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक 6 साइक्लोन लगने के वहाँ पर, उसमें से हम लोगों ने 3 बना चुके हैं। ये इसमें तकलीफें क्या आई बनाने में? बनाने में तकलीफें आई कि इसके हमारे पास पूरी डिजाइन नहीं थी, ड्राइंग नहीं थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने अपने जो अपने कार्य कुशलता के बल पर जो है उसको निर्माण किया। श्री साहू जी, आप हमारे बीच आए और दर्शकों को आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो ये थे श्री एल एस साहू, जो केंद्रीय कर्मशाला में प्रबंधक हैं।